बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पहले से पता है कि माननीय कुशवाहा जी का चौथा दिन है, सहनी जी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महागठबंधन के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि 29 नवंबर से वो भी इस आमरण अनशन में सम्मिलित होंगे, तो आज से आमरण अनशन पे जो बैठे हैं। अब मैं माननीय मुकेश जी से आग्रह करता हूँ कि आप लोगों को संबोधित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, हमारे महागठबंधन के साथी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में 25 सूत्री मांग को लेकर, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और कई अन्य मुद्दा को लेकर बिहार में अनशन में बैठे हैं, और ये मांग जो भी है वो एकदम ही जायज है। और मैंने सरकार को हमने चेताया था आप लोगों के माध्यम से कि ये जो मांग है वो उचित है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए और साथ में जो मांग है उस सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं और 28 तारीख तक माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का अनशन नहीं तोड़ पाते हैं तो 29 तारीख से वीआईपी पार्टी की तरफ से मैं खुद आमरण अनशन में बैठूंगा। जब तक हम लोगों के शरीर में जान रहेगा तब तक हम लोग बिहार के हक अधिकार के लिए, युवा के लिए, गरीब के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। एक वो दौर था जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनसे मीडिया ने पूछा कि आप इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी ये विपक्ष आप पे उंगली उठाते हैं, तो उन्होंने उस समय में जवाब दिया था कि ये मेरी विपक्ष नहीं है, ये हमारी तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देख पाता हूँ वो हमें ये विपक्ष दिखाते हैं, ये हमारी तीसरी आंख है, आने वाले समय में ऐसे काम हम लोग करते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन आज का जो सरकार है वो हम लोगों को विपक्ष मानने से इनकार कर रहा है। आज वो सरकार हम लोग कहीं ना कहीं दुश्मन अपना मान रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग उसको कुर्सी छीनने के लिए तैयार है। आज देश में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए हैं, उसी तरीके से हम लोगों को बिहार के 11-12 करोड़ जनता ने हम लोगों को विपक्ष का नेता बनाया है कि आप लोग हमारे लिए हक अधिकार के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए आप लोग हमारे लिए लड़ाई लड़ते रहिए। तो हमारा जो फर्ज है वो मैं फर्ज पूरा करने के लिए मैं आज से आमरण अनशन पर बैठा हूँ, और आने वाले समय तक जब तक जो मांग हम लोगों का है उस पर ठोस निर्णय और सही उस पर बातचीत नहीं होगा, तब तक जब तक उपेंद्र कुशवाहा जी डिसीजन नहीं लेंगे तब तक मैं भी आमरण अनशन पर बैठा रहूँगा और सरकार को झुका के रहूँगा। और सरकार ये ना समझे कि ये महागठबंधन है, महागठबंधन के साथ पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता है। 12 करोड़ जनता ने जब हम लोग को मान लिया कि ये लोग महागठबंधन के लोग विपक्ष के हैं, तो आपको भी मानना पड़ेगा कि हम लोग विपक्ष के हैं और जनता के हक अधिकार के लिए हर वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए आप बिहार का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसलिए तमाम हमारे मीडिया बंधु से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान दें और आप लोग इसको अब सरकार तक पहुँचाएं ताकि सरकार गरीब के जनता के हित के लिए काम करे। तेजस्वी जी भी का सहमति है, तेजस्वी जी भी झारखंड चुनाव में बिजी हैं, वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे आएंगे। आपने देखा कि तमाम महागठबंधन के सभी नेता यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल के इधर से बड़े बड़े नेता जगदानंद सिंह जी से लेकर उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े बड़े लीडर यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। और महागठबंधन का ये सिर्फ उपेंद्र जी कुशवाहा जी का ये आमरण अनशन नहीं है, ये आमरण अनशन पूरे महागठबंधन के सहयोग से ये आमरण अनशन बना है, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी का नहीं है। इसलिए आने वाले समय में पूरे बिहार में महागठबंधन इसको लीड करेंगे। सर कल पीसी में सवाल ये है कि कल पीसी में सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया अभी तक, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सरकार मैं कह चुका ना, सरकार अंधा हो चुका है, उनको विपक्ष नाम का परिभाषा उनको नहीं पता है। वो बिहार के जनता को गुमराह करके सत्ता में रहकर आप देख ही रहे कि किस तरीके से पिछले 15 साल से माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठ के और सत्ता का मजा ले रहे हैं। उनको बिहार के जनता से, बिहार के गरीब से, बिहार के युवा से उनको कोई लेना देना नहीं है, तो
लेकिन आने वाले समय में सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को बात मानना पड़ेगा, हम लोगों के लिए नहीं, बिहार के गरीब जनता के लिए। तो कल आवरण अनशन कर रहे हैं, सरकार में से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक दाव है, आपका क्या कहना है? 2020 उनको उनके पास जो मैंडेट मिला है वो सरकार बनाने का। हम लोग 2019 में चुनाव लड़े, 40 में से 39 हम लोग हार गए, हम लोग कहीं ना कहीं विपक्ष का है। हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम बिहार के जनता के लिए, गरीब के लिए काम करें। उसको जो हमारा ये फर्ज है, ये हमारा वर्क है कि मैं बिहार के जनता के लिए, गरीब के लिए हर मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़े। आज देखिए 90 रुपया 100 रुपये किलो प्याज हो गया, इसके लिए कौन जवाबदेही है? माननीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कल कहा कि मैं क्या करूंगा। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो सत्ता में बैठने का आपका अधिकार नहीं है, आप सत्ता छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो देश चलाने के लिए आपके पास मैंडेट मिला है तो आप देश चलाइए, और जिनको विपक्ष में बैठने का मौका मिला है वो विपक्ष में बैठ के सरकार को हर गलती को उजागर करते रहेगा, ये हमारा काम है। उनके लिए, उनको लगता है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको जो समझ में आता वो समझे, हम लोग तो हम बिहार के युवा के लिए काम। सर, आपसे और एक सवाल है कि आज से आप आमरण अनशन पर बैठ रहे, इसके पीछे आपका क्या मकसद है? मेरा एक ही मकसद है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे महागठबंधन के बड़े नेता हैं, और महागठबंधन के जो भी उपेंद्र कुशवाहा जी निर्णय लिए वो सही है, जायज है, और बिहार के युवा के लिए, बिहार के गरीब के लिए है, उनको पूरा करें। जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम उपेंद्र कुशवाहा जी के कंधे से कंधे मिलाकर हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, हमारे पूरे पार्टी के मजबूती से। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में